भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के खिलाफ समाचार चैनल में आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी हनुमानगढ़ के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य सुरेंद्र दादरी ने हनुमानगढ़ टाउन थाना में टीवी चैनल एंकर अरवन गोस्वामी के खिलाफ FIR नंबर 212 दिनांक 22/4/2020 के अनुसार दर्ज करवा दी है। हनुमानगढ़ टाउन निवासी सुरेंद्र दादरी ने यह आरोप लगाया है कि रिपब्लिक टीवी के द्वारा एक डिबेट के दौरान 21/4/2020 को भारत नामक अपने एक कार्यक्रम में पालघर महाराष्ट्र में हुई दो संतों सहित एक ड्राइवर की भीड़ की हत्या पर डिबेट करते हुए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं स्वर्गीय राजीव गांधी की धर्मपत्नी सोनिया गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी की है। पब्लिक पार्ट चैनल के मालिक अर्नब गोस्वामी ने अभी 21 अप्रैल को एक डिबेट के अंदर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हुए इस तरह की भाषा का उपयोग किया कि जिससे देश के अंदर धार्मिक उन्माद फैले, सांप्रदायिक दंगे फैले और सोनिया जी की जान को खतरा हो। इन अर्नब गोस्वामी के इस डिबेट में बयान से पूरे भारत के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी रोष है और हनुमानगढ़ में भी इसी तरह का रोष व्याप्त है। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के रोष को देखते हुए मैंने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सांप्रदायिक सद्भाव फैलाने, धार्मिक उन्माद फैलाने, सोनिया जी की जान को खतरे में डालने सहित विभिन्न धाराओं में एक FIR हनुमानगढ़ टाउन पुलिस में दर्ज करवाई है और मांग की है कि मेरे द्वारा दर्ज कराई गई FIR में अर्नब गोस्वामी को तुरंत गिरफ्तार कर उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। कांग्रेस नेता सुरेंद्र दादरी के द्वारा जो FIR 212 दिनांक 20/4 दर्ज कराई गई है उसमें 8 धाराएं शामिल की गई हैं, यानी 8 धाराएं लगाकर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। सुरेंद्र दादरी के द्वारा आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस की दीक्षा और कांग्रेस की छवि खराब करने के लिए बदनीति से यह दुष्कृत्य किया गया है। हनुमानगढ़ टाउन थाने में दर्ज मुकदमे की जाँच नवदीप सिंह उप निरीक्षक को सौंपी गई है तथा इस मुकदमे की जांच नवदीप सिंह के द्वारा की जाएगी। इस मुकदमे में सुरेंद्र दादरी के द्वारा एक टीवी चैनल पर आरोप लगाए गए हैं। अब देखते हैं कि पुलिस इस मुकदमे में सच्चाई तक कब पहुंच पाती है तथा जांच रिपोर्ट में क्या निकल कर आता है। कलम न्यूज के लिए गुरुदेव सिंह सैनी, हनुमानगढ़।